रूस यूक्रेन युद्ध आए दिन नया मोड़ ले रहा है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर लगातार भीषण पलटवार जारी है, जहां रूस ने अपने हमलों में पैनापन दिखाते हुए यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाया है, साथ ही यूक्रेन के कई हथियारों के जखीरों को उड़ा डाला है। तो वहीं अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन भी रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है। यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रूस को बड़ा झटका दे रहा है। दोनों ही देशों की ओर से जमीन और हवाई हमले जारी हैं। इस बीच जुबानी हमले भी खूब देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि यूक्रेन के अब तक 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति पर चौतरफा दबाव देखने को मिला है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ अपने संघर्ष में अपने देश के सैन्य नुकसान की असलियत के बारे में जानबूझकर जनता को धोखा दिया है। अखबार ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने विवादों में घिरे मोबिलाइजेशन कैंपेन के बीच घबराहट दूर करने के लिए ऐसा किया। आपको बताते चले कि बीते फरवरी महीने में यूक्रेनी हताहतों की संख्या पर महीनों की चुप्पी के बाद ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया था कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 31,000 सैनिक मारे गए थे। इस दौरान उन्होंने घायलों की संख्या को लेकर कोई खुलासा नहीं किया था। बता दें कि ये पहला और आखिरी मौका था जब ज़ेलेंस्की ने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या की पुष्टि की थी। वहीं दूसरी ओर हाल में रूस का दावा है कि संघर्ष के दौरान कीव को विनाशकारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, खुद रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अनुमान लगाया कि यूक्रेन ने लगभग 5 लाख सैनिकों को जंग में खो दिया है। यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए अपनी सेना में इजाफा करने के लिए पिछले साल आखिर में कई कड़े कदम उठाए थे। बताया जाता है कि ज़ेलेंस्की ने हाल ही में 2 बिल साइन किए थे, जिनमें से एक में पुरुषों के लिए भर्ती की उम्र 27 से घटाकर 25 कर दी गई है, जबकि दूसरे बिल में मोबिलाइजेशन कंडीशन को कारगर तरीके से और कड़ा किया गया है। बीते दिसंबर महीने में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी सेना ने अतिरिक्त 5 लाख सैनिकों को जुटाने की गुहार लगाई है, जिसे बाद में तत्कालीन कमांडर इन चीफ वैलेरी जलूजनी ने गलत करार दिया था। यही वजह है कि दोनों के आपसी मनमुटाव के चलते फरवरी में जलूजनी को बर्खास्त कर दिया गया था। यूक्रेन के एक सांसद ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि ये सच है कि कीव युद्ध में सैनिकों की बड़ी कमी से जूझ रहा है, मगर अभी हालात इतने भी बदतर नहीं हुए हैं कि रेड लाइन तक पहुंच गए हों। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को लंबे समय से रुके हुए $61 बिलियन की सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूक्रेन को हथियारों, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल मुहैया कराई जाएंगी। वहीं यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी सहायक सचिव जेम्स ओब्रायन ने कीव से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उसके पास लड़ने के लिए आवश्यक लोग हों। ऐसे में ये देखना काफी अहम है कि ज़ेलेंस्की की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया रहती है।